नमस्कार दोस्तों, जब से अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा गया है तब से लेकर आज तक धरती से कई सारे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। कई सारे सैटेलाइट्स हैं जो धरती से अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष से सीधे धरती पर वापस भी आ जाते हैं, लेकिन रॉकेट कभी भी वापस नहीं आते। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर उन रॉकेटों का होता क्या है, वो आखिर चले कहाँ जाते हैं। जब अंतरिक्ष यान या कोई भी सैटेलाइट रॉकेट से अलग होता है तो उसका एक छोटा सा ही हिस्सा बचा रहता है, जबकि धरती से तो बहुत ही बड़े आकार का रॉकेट अंतरिक्ष में भिजवाया जाता है। तो उन बाकी हिस्सों का आखिर होता क्या है? रॉकेट के कुछ हिस्से तो पृथ्वी पर वापस आते वक्त ही जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आखिरी हिस्सा स्पेस में ही रह जाता है और बाकी बचे हिस्से भी अंतरिक्ष में ही घूमते रहते हैं। दरअसल जब भी धरती से कोई चीज अंतरिक्ष में भेजी जाती है तो वह उसी रूप में या फिर उतनी ही मात्रा में धरती पर वापस नहीं आती। जितना उसे भेजा जाता है उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी पर वापस आते वक्त ही जलकर राख हो जाता है और कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। अंतरिक्ष में घूम रहे इन हिस्से को स्पेस जंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंतरिक्ष का कचरा। जी हाँ, कचरा सिर्फ धरती के लिए ही समस्या नहीं बल्कि अब तो अंतरिक्ष के लिए भी काफी परेशानी खड़ी कर चुका है। अंतरिक्ष के इन कचरों में बड़ी बड़ी डेड सैटेलाइट्स भी होती है जो कि अपना समय पूरा कर चुकी है और धरती से उनका संपर्क खत्म हो चुका है। इसमें कई सारे फेल हुए अंतरिक्ष मिशन का कचरा भी शामिल होता है। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या धरती पर भी ये कचरा गिर सकता है? अगर गिर गया तो क्या धरती पर इससे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? वैसे तो यह सवाल काफी डराने वाला है, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी टुकड़ा वापस धरती के वातावरण में घुसता है तो बहुत ही अधिक घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और वह जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही खत्म हो जाता है। धरती की निचली कक्षा में घूम रहे ऐसे हजारों टुकड़े अक्सर धरती के वातावरण में घुस जाते हैं, लेकिन तुरंत जलकर भी नष्ट हो जाते हैं।